देशभक्ति की और देश प्रेम की भावना से ये फिल्म बनी है और हम सब बहुत प्राउड हैं इस फिल्म पे। हमारा जो ग्लोरियस पास्ट है और वेरी इनग्लोरियस चीज़ें उसमें जो हुई है उसको दर्शाती हुई एक फिल्म है, तो इसीलिए कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है। अपनी सत्ता के लिए देश के टुकड़े करने से नहीं वो हिचकिचाते हैं, पूरे जो प्रदेश है उसके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। और इन चीज़ों को आप जानते हैं, ये भी पॉलिटिकल गेन के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। जिस तरह से मैंने हमेशा ही बताया कि जिस तरह से मैंने इमरजेंसी बनाई है, मुझे फिल्म इंडस्ट्री का तो कोई सपोर्ट था नहीं। सेंसर बोर्ड की अपनी उसको लेकर आपत्तियाँ हैं क्योंकि उनको पिटिशन्स इतने आए हुए हैं और वो पिटिशन्स जो हैं उनमें से कुछ तो बिल्कुल धमकाने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा वायलेंट पिटिशन्स जो हैं वो दिए गए हैं कि रिगार्डलेस ऑफ फैक्ट्स और रिगार्डलेस ऑफ हिस्ट्री हम लोग जला देंगे, थिएटर जला देंगे। तो उसके करके वो थोड़ा सा उसको लेकर वो है, पर कोर्ट ने उनको बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया है कि यू विल हैव टू यू नो, या तो आप बताइए अगर आपको कुछ आपत्ति, अगर आपत्ति नहीं है, जैसे कि मैंने कहा हुआ है कि हमें सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो आपको जो है ये फिल्म रिलीज़ करनी पड़ेगी। मगर इस तरह से आई थिंक ये कुछ ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल बात कर दी उन्होंने। विश्वकर्मा जो आज दिवस मनाया गया, प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्म दिवस को जो है, मुझे तो उनकी ये बात बहुत प्रभावित करने वाली लगती है कि वो चाहते हैं कि उनका जन्म दिवस किसी चीज़ से याद रखा जाए, तो वो विश्वकर्मा। तो हमारे जो मजदूर हैं या कारीगर हैं या किस तरह की जो कला रखने वाले, जो इवन सिलाई करने वाले, कढ़ाई करने वाले, तो उसको वो बैकबोन मानते हैं हमारे राष्ट्र की। तो उन्होंने उनके लिए जो योजनाएं चलाई हैं, सबसे पहले तो उन्हें एक आइडेंटिटी जो दी है, चाहे वो आई कार्ड्स दिए हैं, लोन, उसके साथ में नई नई स्किल्स सिखाने के प्रावधान और डिजिटाइजेशन। तो खैर मुझे तो लगता है कि ये एक क्रांति सा लेके आया है हमारे अर्थव्यवस्था में भी। और अगर आप मानेगा कि उनका जो ड्रीम है टू बी डेवलप्ड नेशन, वो पूरा उन्होंने, वो बुलजाई उन्होंने करा है हिट ये पूरे अपने जो मजदूर लोग हैं और ये इस जो कारीगर लोग हैं उनको साथ में लेके चलना, ये मास्टर स्ट्रोक है मोस्ट डेफिनेटली। हमारे मंडी में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, हिमाचली लोगों का जो टैलेंट है, चाहे वो कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, टोपियाँ बनाना। मैंने पार्लियामेंट में भी इसके लिए लघु उद्योग को लेकर मैंने काफ़ी चीज़ों की डिमांड की है, पर देखते हैं, अब जल्दी ही उम्मीद है कि सारी डिमांड्स जो हैं वो उन पर नज़र पड़ेगी उनकी। उम्मीद यही है कि जो हमारी फिल्म संविधान को लेकर एक फिल्म बनाई है, देशभक्ति को लेकर एक फिल्म बनाई है, और कुछ लोगों ने जिस तरह से इस देश को एक मजाक बना दिया था, तो इस तरह की वारदातें फिर से ना हो इस देश में। एक देशभक्ति की और देश प्रेम की भावना से ये फिल्म बनी है और हम सब बहुत प्राउड हैं इस फिल्म पर। और हमारा जो ग्लोरियस पास्ट है और वेरी इनग्लोरियस चीज़ें उसमें जो हुई है उसको दर्शाती हुई एक फिल्म है, तो इसीलिए कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है। जिन लोगों को जो है ये इस फिल्म से शायद उनके पर्दे फाश होंगे, तो मिर्ची तो लगेगी। अब मुझे तो लगता है विपक्ष वाले, अब देखिए जिस तरह से अभी भी आप राहुल गांधी जी फॉरेन जाते हैं, उनको कुछ लोगों को जो है वो यूज़ किया जा रहा है इसमें भड़काया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है, फ्रिंज ग्रुप्स को जो है इंस्टिगेट किया जा रहा है, और आप जानते हैं किस तरह से ये सब चीज़ें वर्क करती हैं। तो अभी भी वो फॉरेन जाते हैं तो किस तरह की देश को लेकर किस तरह की वो बातें करते हैं, आपने वो भी देखा हुआ है। तो क्या उनको देश को लेके उनकी क्या भावनाएं हैं, वो किससे छुपी हैं? वो तो अपनी सत्ता के लिए देश के टुकड़े करने से नहीं वो हिचकिचाते हैं, तो ये आप जानते हैं कि उनकी क्या भावना है। ये देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि इस तरह की जो हमारे देश में जो क्राइसिस हैं, जो मैंने हमेशा से ही कहा है कि जो रिफ्यूजीज़ का जो इन्फिल्ट्रेशन है, जो बाहर से जो लोग आते हैं, और अगर आपको किसी देश की नागरिकता चाहिए या आपको किसी तरह का आइडेंटिटी चाहिए तो आप बनवा सकते हैं, लेकिन मैं भी जानती हूँ यहाँ पे लोग जो हैं फेक नाम यूज़ करके, फेक जो है गलत दूसरे धर्म के नामों पर जो है व्यवसाय चला कर जो हैं, और जिस तरह से लोकल्स की जो सिक्योरिटी को भी हार्म है, उनकी जो है पूरे जो प्रदेश है उसके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। और इन चीज़ों को आप जानते हैं, ये भी पॉलिटिकल गेन के लिए ये चीज़ें की जाती हैं, वोट बैंक बनाने के लिए चीज़ें की जाती हैं। तो इनके लिए एक लोकल्स ने ही चीज़ें अपने हाथ में लिया, लगता है राज्य सरकार तो बिल्कुल इस चीज़ को लेकर निकम्मी बैठी हुई है।
नहीं तो देखिए, हम इतने कायर और इतने बेवकूफ़ भी तो नहीं हो सकते, क्योंकि आप देखिए कश्मीर में जो हमने अपने साथ, अभी कोई हज़ारों सालों पुरानी बात नहीं है, 90 के दशक में कश्मीर में क्या हुआ, किस तरह से डेमोग्राफी जो है इज़ बिकम्स एवरीथिंग। तो हम लोग ऐसे थोड़ा ना है कि आप उनको इंटॉलरेंट कह के या कुछ कह के दबा दें या चुप करा दें। आई थिंक हिमाचली जो हैं वो बहुत ही, एक तो सबसे पहले मुझे लगता है बहुत अच्छे लोग होते हैं हिमाचली, वो किसी को भी, लेकिन इस अच्छे का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही अपने दायित्वों को भूल जाएं। अपनी मातृभूमि की रक्षा करना उनका सर्वप्रथम दायित्व है और सभी का ही होना चाहिए। आज तक इतिहास में देखिए ऐसे थोड़ी होता है, जो भूमि होती है, जो बेटियाँ होती हैं, जो वो उनका जो रक्षा नहीं कर पाता है उसका क्या ही परिणाम होता है, हमने देखा हुआ है। जिस तरह से मैंने हमेशा ही बताया कि जिस तरह से मैंने इमरजेंसी बनाई है, मुझे फिल्म इंडस्ट्री का तो कोई सपोर्ट था नहीं, और अभी भी आई एम द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म एंड जी इज़ ऑल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, वी हैव को प्रोड्यूस द फिल्म एंड उसके साथ में है, वी हैव अदर पार्टनर्स ऑल्सो। बहुत बड़े बजट की फिल्म है ये, इट्स मेड ऑन इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट बजट फिल्म। तो खैर, जो इस तरह की एसेट्स होते हैं वो इस वक्त के लिए ही होते हैं, जब डिले रिलीज़ हो रहा है तो सभी पार्टीज़ जो हैं काफ़ी नुकसान सभी को ही, चाहे वो इज़ माई ट्रिप हो, चाहे वो मणिकर्णिका फिल्म्स हो, चाहे वो जी स्टूडियोज़ हो, वो नेटफ्लिक्स का भी हमें बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं कि उनका भी आफ्टर थिएट्रिकल उनका भी स्ट्रीमिंग था, तो सभी को ही नुकसान भुगतना पड़ रहा है। आई थिंक सेंसर को अब इसमें अब जो है दायित्व लेकर जल्दी से जल्दी फिल्म रिलीज़ करानी चाहिए।